हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में मिनी ट्रक में मिले 45 लाख रुपए, ग्रामीण पुलिस ने किए सीज। पोखरण से भटिंडा ले जा रहा था चालक। पंचायत चुनावों के दौरान अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान जोधपुर के ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाप थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान एक मिनी ट्रक से करीब 45 लाख रुपए बरामद किए। मिनी ट्रक चालक ये राशि पोखरण से पंजाब के भटिंडा लेकर जा रहा था। पोखरण से बड़ी राशि के इस तरह भेजे जाने को लेकर खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं और वे भी इसके तार तलाशने में जुट गई है। माना जा रहा है कि ये राशि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी है। चालक द्वारा सही जवाब नहीं दिए जाने पर रुपयों को सीज करने के साथ आयकर विभाग अधिकारियों को सूचना दी गई है। पुलिस ने चालक व खलासी को गिरफ्तार करने के साथ ट्रक को भी सीज किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने बताया कि पंचायत चुनावों के मद्देनजर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी के साथ वाहनों की सघन चेकिंग चलाई जा रही है। रात को बाग थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित की तरफ से मेगा हाईवे पर नाकाबंदी में एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाया गया। इस पर ट्रक चालक पंजाब के भटिंडा निवासी जसवंत सिंह उर्फ शांता सिंह एवं खलासी रणदीप सिंह उर्फ राजू से पूछताछ की गई। गाड़ी की तलाशी लेने पर चालक के कैबिन में छुपा कर रखे 44,93,340 रुपए मिले। इन रुपयों के संबंध में पूछताछ करने पर संतोष जवाब नहीं दे पाए। इन लोगों ने बताया कि ये लोग तंबाकू उत्पाद बेचकर रुपए लेकर आए हैं, लेकिन इनके पास कोई बिल या अन्य दस्तावेज नहीं मिलने पर रुपयों को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई है। ट्रक को भी सीज करने के साथ चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। चालक जसवंत सिंह का कहना है कि वो ये राशि पोखरण से भटिंडा लेकर जा रहा था। पंजाब में मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर तस्करी की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई है, वे भी इन दोनों से पूछताछ की तैयारी में है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।